सरदार सिंह कॉन्वेंट कॉलेज की ऑनलाइन कक्षा में कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मैं प्रेम कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप जानते ही हैं कक्षा 10 में हमारा जो टॉपिक चल रहा है धनुष भंग है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। उनके श्री रामचरितमानस जो घरों घरों में उसका पाठ भी होता है, जिसको आप लोग कहते हैं रामायण बैठाई गई है, तो रामायण नहीं, रामायण वाल्मीकि जी की लिखी हुई है। इनकी पुस्तक का नाम जो आप वाचन करते हैं, पढ़ते हैं घरों में शुभ अवसरों पर, तो उसका नाम श्री रामचरित मानस है। तो उसी से ये लिया गया है और धनुष भंग शीर्षक दिया गया है इसका। तो इसका पांचवा भाग हम पढ़ेंगे आज और देखेंगे कि इससे पहले आपने पढ़ा चौथे भाग में कि सीता जी को ये संदेह है, राम के सामर्थ्य में पर संदेह है कि राम का सामर्थ्य इस जो शिव जी का धनुष है जो बड़ा कठोर है, इसके सामने इनका जो सामर्थ्य है वो छोटा है और इतना बड़ा धनुष, इतना कठोर धनुष ये तोड़ नहीं पाएंगे। वैसे भी आप ये जानते हैं कि अति स्नेह पाप शांकी, जब किसी के प्रति हमारे अंदर बहुत ज़्यादा प्रेम होता है तो वो शंका उत्पन्न जरूर करता है। हालांकि राम बहुत बलशाली हैं और शिव जी का धनुष तोड़ना उठाना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन चूंकि सीता जी के हृदय में उनके प्रति अत्यधिक प्रेम उमड़ रहा है, प्रेम भाव जागृत हो गया है, इसलिए शंका उत्पन्न होना तो स्वाभाविक ही है। उस शंका के कारण ही जो शंका है उनको देवताओं को मना रही हैं, बार बार स्तुति कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, कहीं शंकर भगवान को, कहीं पार्वती जी को याद कर रही हैं, कहीं गणेश भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, या जो भी देवता उनके जहन में, उनके ध्यान में आ रहा है, उन सभी देवताओं से वो प्रार्थना कर रही हैं कि ये सुकोमल शरीर वाले जो धनुष को तोड़ने के लिए, इतना बड़ा धनुष शिव जी का है, इसको तोड़ने के लिए खड़े हुए हैं मंच पर, ये अवश्य तोड़ दें, ऐसा बार बार वो प्रार्थना कर रही हैं। तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दुख भी प्रकट कर रही हैं, कह रही हैं कि नीके निरख नयन भरि शोभा, पितु पन सुमिरि बहुरि मनु शोभा। नीके निरख, नीके अच्छी तरीके से, निरख देख कर, नयन भरि नेत्रों में भर कर, शोभा को, शोभा को नेत्रों में भर कर, अच्छी प्रकार से देखकर। तो किसको? जो रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने के लिए उस मंच पर खड़े हुए हैं, तो उनको सीता जी ने अच्छी प्रकार से देखा, बड़े प्रेम पूर्वक देखा और उनकी शोभा को, उनके सौंदर्य को अपने नेत्रों में भर लिया। और फिर क्या? पितु पनु, पनु माने प्रण, प्रण को पनु कह दिया, प्रण माने कसम। तो पितु पनु सुमिरी बहुरी मनु छोभा, और फिर उनको पिताजी के उस प्रण की याद आ गई। क्या प्रण है उनका? कि जो सीता स्वयंवर जो रखा गया है, उसमें जो प्रण रखा गया है, उसमें जो कसम रखी गई, या कह सकते हैं जो शर्त रखी गई है कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसी का सीता के साथ विवाह होगा, जो भी राजा इस धनुष को तोड़ेगा उसी का सीता के साथ विवाह होगा। तो इस प्रण को जब वो याद करती हैं तो बहुरि मन क्षोभा, तो उनका मन जो है क्षोभ से, दुख से भर आता है कि आखिर पिताजी ने, जनक जी ने इतना कठोर निर्णय क्यों लिया, ना लिया होता। कहने का उनका तात्पर्य सिर्फ ये है, इनके मन में ये क्षोभ इसलिए है कि अगर इस प्रकार की कोई शर्त ना होती और मुझसे कहा होता कि इतने राजा बैठे हैं और जाओ तुम जिसका वरण करना चाहते हो या जिसके साथ विवाह करना चाहते हो उसके गले में माला डाल दो तो बहुत आसान हो जाता, मैं जाती और रामचंद्र जी को, चूंकि पसंद कर रही हैं, रामचंद्र जी के पास जाती और उनके गले में माला डाल देती। तो ये सब देखना नहीं पड़ता कि राम जी इतने सुकोमल शरीर वाले हैं और वो इतने शिव जी के इतने भारी भरकम धनुष को तोड़ने के लिए खड़े हुए हैं, तो उसके सामने बहुत बौने प्रतीत हो रहे हैं। तो इसलिए वो कह रही हैं, उनके मन में जो है सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया कि जो राम जी खड़े हुए हैं उनको अच्छी प्रकार से देख करके, का मतलब है प्रेम पूर्वक देखा और उनके सौंदर्य को नेत्रों में भर लिया, यानी सौंदर्य को हृदय में अवस्थित कर लिया। और पितुपन सुमिरे,
बहुरी मन छुबा और फिर उन्होंने पिता के प्रण को कि सीता का विवाह उसी के साथ होगा जो इस शिव के धनुष को तोड़ेगा, इस प्रण को जब उन्होंने याद किया तो उनका मन क्षोभ से भर आया, वो दुखी हो उठी, व्याकुल हो उठी। आहा हता तदारुणी हट ठानी, आहा देखिए कह रहे ओह, तात ने पिताजी ने दारुण हट ठानी, बड़ा कठोर हट धारण कर लिया है, बड़ा कठोर हट कर लिया है और समुझा तक कर नहीं कछु लाभ न हानि। अब वो इतने हठी हो गए हैं या हट उन्होंने जो ये दारुण कठोर हट ठान लिया है, क्या हट है आपको बार बार बता रहे हैं, हट यही है कि सीता का विवाह मैं उसी के साथ करूंगा जो शिव जी के धनुष को तोड़ेगा। तो ये जो हट है उनका, जो ये कठोर हट है, वो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बाधा है और इसके पीछे जो उन्होंने हट ले लिया, जो उन्होंने प्रण कर लिया है, उसके पीछे ना उन्होंने लाभ देखा ना हानि देखी कि इससे क्या लाभ होगा या इससे क्या हानि होगी, इसका उन्होंने ध्यान नहीं रखा। अगर ऐसा ये ना किया होता तो मैं निश्चित रूप से राम जी को अपना स्वामी मान लेती, उनके साथ ही विवाह कर लेती। सचिव सभय सिख देह न कोई और बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई। सचिव सभय जो सचिव हैं, जो मंत्री हैं, वो भय के कारण सिख सिखा नहीं रहे हैं, दे न को यानी शिक्षा किसी को उनको नहीं दे रहे, किसको, राजा जनक को। तो जो यहां सचिव बैठे हैं वो सचिव भी जा करके राजा जनक को ये शिक्षा नहीं दे रहे हैं कि आपने जो ये प्रण ठाना है ये उचित नहीं है। क्यों नहीं दे रहे हैं, सभय भय के कारण। तो भय के कारण जो सचिव हैं, जो मंत्रीगण हैं, वो भी हमारे पिता जनक जी को या राजा जनक जी को शिक्षा नहीं दे रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं। बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई, बुद्धों के समाज में, विद्वानों के समाज में, विद्वानों की सभा में बड़ा ही अनुचित कार्य हो रहा। अनुचित क्यों कह रही हैं, अनुचित इसलिए कह रही हैं कि कहां ये राम, सामर्थ्य पर उनको शंका है राम के, तो इसलिए कहां ये, वो सोच रही हैं कि कहां ये राम सुकोमल श्यामल किशोर, अभी किशोर हैं, छोटे ही हैं, और कहाँ ये शिव जी का विशाल और भारी वज्र के समान ये कठोर धनुष है, तो इनमें साम्यता ही नहीं दिखती, मुझे नहीं लगता कि ये धनुष ये तोड़ पाएंगे। अगर इन्होंने कहा होता, ये प्रण न लिया होता, तो निश्चित रूप से मैं इनका ही वरण कर लेती। ठीक, तो बुद्ध समाज बड़ा अनुचित हो, बुद्ध के यानी विद्वानों के समाज में बड़ा अनुचित कार्य हो रहा है। कहाँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा, बता रही हैं कि कहाँ धनुष कुलिसहु वज्र से चाहि कठोरा, से भी ज्यादा कठोर। कहाँ वज्र, इंद्र का जो आयुध है उसका नाम वज्र है और वज्र वो बहुत कठोर माना जाता है, तो उससे भी कठोर है। कहा कि कहाँ, ये जो रामचंद्र जी खड़े हुए हैं धनुष उनको देखती हैं, धनुष तोड़ने के रामचंद्र जी खड़े हो, फिर धनुष की ओर देखती हैं और कहते हैं कहाँ या जो धनुष है ये वज्र से भी कठोर है, और कहाँ इनके सामने कहाँ से आमल अमृत उगात किशोरा, और कहाँ सांवले और कोमल शरीर वाले जो ये किशोर राम है, यानी उनके सामने इस कुलिस के समान जो वज्र से भी ज्यादा कठोर धनुष है एक तरफ, और दूसरी तरफ देखें तो मृदुगात, मृदु माने कोमल, गात माने शरीर, तो कोमल शरीर, श्यामल और कोमल शरीर वाले ये किशोर रामचंद्र जी हैं। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि इस धनुष के सम्मुख ये टिकेंगे नहीं, यानी इस धनुष को ये कोमल शरीर वाले राम तोड़ नहीं पाएंगे। उदाहरण दे रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं, विधि के ही भांति धरऊं उर धीरा, कह रहे हैं उर धीरा है, हृदय में धैर्य धरो धारण करूं, कहीं बात किस प्रकार, हे विधाता मैं अपने हृदय में धैर्य किस भांति किस प्रकार से धारण करूं, सिरस समुन कन वेधी हीरा। दृष्टांत अलंकार है यहां, कहा कि सिरस, सिरसे के पुष्प के कण से, सिरस समुन कन, सिरसे के, सिरस एक पुष्प होता है, तो सिरस के पुष्प के कण या पराग से वेधी हीरा, कहीं हीरा काटा जा सकता है। तात्पर्य यह है क्या, जिस प्रकार से सिरस के पुष्प के कण से हीरे को नहीं काटा जा सकता, उसी प्रकार ये वज्र से भी कठोर जो धनुष है उसको, जो श्यामल और कोमल शरीर वाले श्री रामचंद्र जी हैं, उसको तोड़ नहीं सकते। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब कह रही आगे कि सकल सभा, इस सभा में जितने लोग बैठे हैं, की मति जो बुद्धि है,
भय भोरी भुलावे में आ गई है या भ्रष्ट हो गई है। भोरी का मतलब है भूल गई है, भुलावे में आ गई है या भ्रष्ट हो गई है, किसी की समझ में नहीं आ रहा। अब मोहे समुचाप गति तोरी, कहा कि जब सब बुद्धिहीन हो गए हैं, यहाँ बड़े बड़े विद्वान सचिव मंत्री राजा आदि बैठे हुए हैं, तो उन सभी की सकल सभा के समस्त सभा की मतलब इसमें जितने भी लोग बैठे हैं उन सब की जो मत है, जो बुद्धि है, वो भुलावे में पड़ गई है या भ्रष्ट हो गई है। अब मोहे समुचाप गति तोरी, अब तो मुझे हे शिव जी के धनुष आप पर ही भरोसा है। समुचाप गति तोरी यानी तुम्हा आप पर ही भरोसा है, इन पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि अब ये इनकी बुद्धि ही नहीं, और जिसके पास बुद्धि नहीं वो किसी को समझाएगा नहीं, नहीं तो राजा जनक को समझा देते और कह देते कि ये जो प्रण है आप तोड़ दीजिए और सीता जी से कह दीजिए कि जाइए अपने मनपसंद वर का चयन कह लीजिए, तो मैं जाकर के इन श्यामल कोमल शरीर वाले श्री राम जी का अपने पति के रूप में वरण कर लेती। लेकिन चूंकि सबकी मति जो भोरी हो गई है, भुलावे में पड़ गई है या भ्रष्ट हो गई है, तो अब इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। अब उम्मीद किससे है? समुचाप गति तोरी, शंकर जी के जो धनुष है उनको कह रहे हैं हे समुचाप, हे शंकर जी के धनुष अब मुझे सिर्फ आप पर ही भरोसा है। और निज जड़ता लोगन पर डारी, इसलिए मना रही है उनसे, हे समुचाप, हे शिव जी के धनुष, निज जड़ता, तुम जड़ पदार्थ हो, मैं जानती हूं कि तुम जड़ पदार्थ हो, लेकिन तुमसे ज्यादा जड़ तो यहां सभा में बैठे हुए लोग हैं, इसलिए प्रार्थना कर रही हैं कि हे शिव जी के धनुष अपनी जड़ता को लोगन पर डाली, सभा में बैठे हुए इन लोगों पर डाल दीजिए। और हो ही हरऊं रघुपत ही निहारी, और श्री रामचंद्र जी के श्यामल और कोमल शरीर को देख करके उसी के अनुरूप अपनी भारीपन को कम कर लीजिए। ठीक है, हो ही हरऊं, हर लीजिए रघुपत ही निहारी, श्री रामचंद्र जी को देखकर, यानी श्री रामचंद्र जी के शरीर को देखें और आप अपने को देखें, और चूंकि ये आपको उठाने के लिए खड़े हुए, आपको तोड़ने के लिए खड़े हुए हैं, तो मुझे आप पर ही भरोसा है, इन पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए आप चूंकि जड़ हैं ऐसा कर नहीं सकते, इसलिए जो जड़ता आप में है वो इन बुद्ध समाज जो सभा बैठी है उसके ऊपर डाल दीजिए। और उस जड़ता को डालने के पश्चात श्री रामचंद्र जी की ओर अच्छे प्रकार से देखिए कि ये कितने सुकोमल और श्यामल और कोमल शरीर वाले हैं, और उनके अनुरूप ही अपनी हो ही हरो अपनी भारीपन को, अपनी कठोरता को कम कर लीजिए। अति परिताप सीय मन माही, लव निमेश जुग सम जाही, जुग सम जाही। तो अति परिताप, अत्यधिक परिताप है, अत्यधिक कष्ट है सीय मन माही, सीता जी के मन में। तो सीता जी के मन में इस प्रकार की बातें सोचते हुए जो सीता जी हैं उनका मन बड़ा ही दुखी है, उनके मन में बड़ा ही परिताप है, बड़ा ही पश्चाताप है, बड़ा ही दुख या खेद भरा हुआ है। और उस समय लव निमेश, पलक झपकने का एक जो समय होता है, जुग सम जाही, युगों के समान बीत रहा, यानी वो पलक झपकती हैं तो उनको एक एक जो पलक झपकने में लगा समय है उस समय उनके लिए युगों के समान बीत रहा है। ठीक, लव निमेश का मतलब है जो पलक झपकने के मध्य का समय होता है, एक पलक झपकने में जितना समय लगता है तो युगों के समान बीत रहा है। आप जानते हैं कि जब किसी का इंतजार किया जाता है तो चूंकि इंतजार इनका, इनको किस चीज का है कि कब राम जी धनुष तोड़ दें, ये इनको भरोसा है, शंका भी है, दिक्कत भी है, कष्ट भी है, परेशान है बहुत ज़्यादा। तो जब परेशानी होती है और हमें समय व्यतीत करना होता है कि समय व्यतीत कर रही हैं कि हाँ धनुष तोड़े देखे, तोड़ पाएंगे नहीं तोड़ पाएंगे, ये तो ये जो समय व्यतीत कर रही हैं तो उसमें जो एक पलक झपकने में लगा समय है युगों के समान उनका बीत रहा है, यानी उनको बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है। प्रभु ही चितय पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जन विधु मंडल डोल। प्रभु ही चितय, श्री रामचंद्र जी को देखती हैं सीता जी, जो श्री रामचंद्र हैं उनको देखती हैं, पुनि चितव में, और फिर पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं। पहले सामने खड़े श्री रामचंद्र जी को बड़े प्रेम पूर्वक देखती हैं और फिर पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं, और महिमा ने पृथ्वी, राजत लोचन लोल, इस प्रकार उनके जो लोचन है चंचल, लोल माने चंचल, तो उनके जो चंचल नेत्र हैं वो सुशोभित हो रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। क्यों? कारण शायद ये होगा कि जो श्री रामचंद्र जी हैं वो सामने खड़े होंगे और चूंकि उनको बड़े प्रेम से वो देख रही हैं, तो आप जानते हैं कोई स्त्री जब किसी को बहुत प्रेम से देखती है और अगर कोई उसको देखते हुए देख लेता है तो लज्जावश
दूसरी तरफ या नीचे ऊपर देखना प्रारंभ कर देती है। तो बार बार वो देखती है, ये जो क्रम है बार बार चल रहा है, बार बार श्री रामचंद्र जी की ओर प्रेम पूर्वक देखती हैं, प्रेम से देखती हैं, लेकिन शायद कोई उनको जैसे ही देख जाता है श्री रामचंद्र जी को निहारते हुए देखते हुए, तो फिर पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं। इसलिए कहा प्रभु ही चिता ही पुण्य चितऊ में, पहले प्रभु को देखती हैं, श्री रामचंद्र जी की ओर देखती पुण्य चितऊ में, और फिर जमीन की ओर देखने लगती, मह की ओर जमीन की ओर देखने लगती। इस प्रकार ये जो क्रम है बार बार चल रहा है, तो आंखें ऊपर नीचे हो रही हैं, इसलिए राजत लोचन लोल, उनकी जो नेत्र हैं वो चंचल, जो लोल चंचल है, नेत्र हैं, लोचन माने नेत्र और लोल माने चंचल, तो उनके जो चंचल नेत्र हैं वो शोभा को प्राप्त कर रहे हैं, बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। और खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल, ऐसा लगता है कि उसको देखकर ऐसा लगता है, उनके चंचल नेत्रों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो विधु मंडल, चंद्रमंडल के डोल में, डोल झूला, चंद्रमंडल के डोल में कामदेव की, मनसिज कामदेव की मीन जुग, जुग माने जोड़ा, मीन माने मछली, दो मछलियों का जोड़ा, या दो मछलियां ऐसे कह सकते हैं, खेल रही हैं, ऐसा लगता है। जनु माने उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पर, तो जनु माने मानो इस प्रकार लगता है कि जैसे चंद्रमंडल के डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों, उनके चंचल नेत्र हो रहे हैं, बार बार इधर उधर हिल रहे हैं, तो उनको देखकर कवि कल्पना करता है कि ऐसा लगता है कि जैसे चंद्रमंडल के डोल में, झूले में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हैं, तैर रही हैं। ठीक, तो छंद आप जानते ही हैं, दोनों छंद चौपाई और दोहा छंद है, और यहां पर भी सीता जी के अंदर जो मनोदशा है, श्री रामचंद्र जी के सामर्थ्य के प्रति जो शंका है, उसका बड़ा ही मनोरम चित्रण किया गया, उनकी मनोदशा का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। छंद की बात करें तो चौपाई और दोहा छंद है, अलंकार की बात करें तो सिरस समुनकन वेधी हीरा, यहाँ उदाहरण देकर स्पष्ट किया है अपनी बात को, इसलिए दृष्टांत अलंकार है, और यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं जनु मनु जानो मानो, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पर। ठीक है, और अनुप्रास तो रहता ही है हर एक में, और साथ ही चूंकि विवाह करना चाहती हैं, इसलिए इनके अंदर बड़ी दिक्कत है, बड़ी समस्या है, इसलिए श्रृंगार रस की यहाँ दिख रहा है, श्रृंगार रस है, और रस छंद अलंकार, यही तीन चीज़ें आपको मुख्य रूप से लिखनी होती हैं इसमें। और अगर शब्द शक्ति लिखनी हो तो चूंकि लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, और गुड़ जो है प्रसाद गुड़ दिखाई दे रहा है, प्रसाद गुड़ आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार काव्य में, काव्य सौंदर्य में चूंकि एक नंबर का नीचे होता है, तो वहाँ आप डाल करके ये सब चीज़ें अवश्य लिखें ताकि नंबर कटने ना पाएँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।